जब कभी भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो सबसे पहले आप अपने फॉलोअर्स देखते हो या रील्स चेक करते हो कि भाई रील्स हमारी वायरल हो रही है या नहीं। पर मैं क्या चेक करता हूँ? मोनेटाइजेशन स्टेटस, जिसमें मुझे ये चीज़ें दिखना चाहिए और नीचे में जो 3 वायलेशन है वो कभी भी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, गिफ्ट्स है, सब्सक्रिप्शन है, बोनसेस है, भाई ये किस तरीके से मिलते हैं और इसके फायदे क्या क्या है, मतलब भाई इससे आप अर्निंग कैसे करते हैं। तो भाई बहुत ही कमाल का वीडियोस होने वाला है, तो भाई स्किप बिल्कुल भी मत करना एक भी पॉइंट। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप भी अर्निंग कर सकते हो इंस्टाग्राम से लाखों रुपये, बस आपको तरीका पता रहना चाहिए। तो डायरेक्टली मोबाइल उस पर लेकर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ओके। और आपका चैनल मोनेटाइज होना ज़रूरी है। देखिए मोनेटाइजेशन बहुत आसान तरीके से हो जाता है, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं तब जाके होगा, नहीं, आप बड़े आसान तरीके से उसे 100 फॉलोअर्स पर भी इनेबल कर सकते हो। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर मैंने ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एडम मुसरी जो कि हेड ऑफ इंस्टाग्राम है, ये कुछ भी चीज़ अपलोड करते हो ज़रूर चेक किया कीजिए कि भाई इसके बारे में आपको बहुत मालूम हो जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम में कुछ भी नया फीचर्स आने वाला है, नया अपडेट्स आने वाला है, उसके बारे में ये पूरी डिटेल में वीडियोस बनाते हैं। पर कुछ कुछ स्टोरी पर रखते हैं, आस्क मी एनीथिंग, भाई कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ और उसका रिप्लाई भी ज़रूर देते हैं, ओके। यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर जाता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल है, आपके फॉलोअर्स डाउन हो रहे हैं, नॉर्मल है। कब तक नॉर्मल है? जब 1 महीने तक आपके फॉलोअर्स की रेड लाइन ऊपर ना हो जाए, रेड लाइन ऊपर हमेशा दिख रही है 1 महीने तक, तो भाई फॉलोअर्स प्रॉब्लम है। देखिए मान के चलिए मेरा ग्रीन लाइन हो रही है, रेड लाइन हो रही है, मेरे भी फॉलोअर्स भाई अनफॉलो करते हैं। और ये जो आपको दिल से फॉलो करते हैं ना, वो कभी अनफॉलो नहीं करेंगे, ये ग्लीच रहती है, ये बोर्ड्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड भाई यूजर्स रहते हैं जो कि आपको फॉलो कर लेते हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियोस बनाए किस तरीके से स्कैम फॉलोअर्स का पता कर सकते हैं और उससे आप अपनी आईडी से निकाल सकते हैं, एक एक करके निकालिए या पूरे एक साथ निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अचानक से मेरे ग्रीन लाइन ऊपर हो गई। तो डेली कंसिस्टेंटली वीडियोज़ डालते जाइए, ये नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, अगर ग्रीन लाइन ऊपर ही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रेड लाइन ऊपर है तो बहुत बुरी बात है, ठीक है, ये नॉर्मल। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर जाता हूँ, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल, ओके। मोनेटाइजेशन स्टेटस दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, अकाउंट स्टेटस में अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यू हैवन पोस्टेड एनीथिंग दैट इज इफेक्टिंग योर अकाउंट, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। बहुत सारे जनता इसमें अपडेट नहीं होता जिसके कारण ये शो होता है और ये शो हो जाता है, जिसमें आपके इसमें कंटेंट रिमूव या आपके इसमें मोनेटाइजेशन, यू हैव बीन रिकमेंडेड, ये सब चीज़ें जो दिखा रही है भाई, ये भी नॉर्मल है, ये भी अपडेट में वो चीज़ें आपको दिख जाती है। कंट्रोल इन सेटिंग्स पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन स्टेटस चेक करता हूँ, तब जाके मुझे पता चलेगा कि ब्रांडेड कंटेंट हो, सब्सक्रिप्शन, गिफ्ट्स, और इसके बाद हमारे इसमें बोनसेस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बोनसेस, हाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, बोनसेस अभी किसी को भी नहीं मिल रहा है, किसी को भी नहीं भाई, इंडिया में तो किसी को भी नहीं मिल रहा, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। पर पॉज किया गया है, आपके इसमें शो भी हो जाता है अगर आप बैक करेंगे तो, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन के नीचे बोनसेस जो कि वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोनसेस अनअवेलेबल, यू विल बी नोटिफाइड व्हेन यू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट ए न्यू बोनस अपॉर्चुनिटी, जब नया बोनस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफाई करके बता दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ब्रांडेड कंटेंट टूल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए ब्रांडेड कंटेंट टूल्स इनेबल करना बहुत ही आसान है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाना है और उसके बाद नीचे आना है, ब्रांडेड कंटेंट टूल्स पे जाना है। ये बहुत सारे लोगों ने सेटअप कर चुके हैं, पर कुछ गलती नहीं करना है और कुछ अच्छी चीज़ें भी करना है, ओके। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेटअप ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, मैं क्लिक करूँगा तो यू आर एलिजिबल टू यूज़ ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, भाई ये सबसे पहला टूल्स रहता है जो हर किसी को दिया जाता है कि आप ब्रांड से डायरेक्टली डील करके भाई बातचीत कर लीजिए, पैसा वैसा जितना भी लेंगे आप अपने आप में बात कर लीजिए, हम अभी नहीं लेकर आ रहे, बाद में कंपनी को, ब्रांड को हमारे इंस्टाग्राम पर लाएंगे, यूज़र तो हमारे पास पहले से, दोनों के बीच में बात करवाने के लिए हम अलग से एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें वो चेक कर सकते हैं कितने रील्स पर कितना पैसा, कितनी स्टोरी या कितने बार हमारे लाइव पर हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप चर्चा करते हो, ओके। डू कैचेस करना चाहिए, कैचेस नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियोज बनाई, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इनेबल पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पर यू कैन नाउ यूज द ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, ओके, डन पे क्लिक कीजिए, आपके इसमें राइट टिक आ गया है, इसका मतलब भाई आपका इनेबल हो चुका है और एलिजिबल टू यूज द ब्रांडेड कंटेंट टूल्स, बैक करूंगा यहाँ पर आपको एलिजिबल दिखाई देगा, इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि भाई ब्रांडेड कंटेंट टूल्स होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो तो यहाँ पर आपको पूरी चीज़ दिखाई दे रही है, जस्ट ओके, यहाँ पर हिंदी है, हमें हिंदी नहीं आती है थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूँ इंग्लिश में करके सुना देता है, यहाँ से एकदम ऊपर चले जाते हैं, ई ई ई इंग्लिश यूके जो भी है, ब्रांडेड कंटेंट फॉर विच द क्रिएटर हैज बीन कंपनसेटेड
आइदर विद द मनी पैसा देखे या आपको एज द वैल्यू बाय द ब्रांड और द बिजनेस पार्टनर की तरफ से उसकी वैल्यू देते हैं। भाई 200 का प्रोडक्ट है 200 रुपये देंगे या 200 का कुछ प्रोडक्ट आपको दिए जाएंगे। दिस में इंक्लूड वेल प्रोडक्ट एंड सर्विस हैज बीन गिफ्टेड फॉर फ्री। भाई ये ऐसे टाइम पे भी रहता है जब आपको भाई फ्री में कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, आपको उसका पैसा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और ये एलिजिबल होने के बाद आप डायरेक्टली ब्रांड के साथ बातचीत करके ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांड को जो पेड पार्टनरशिप लिखा रहता ना वो आपको इजीली मिल जाता है। उसके बाद आप पेड पार्टनरशिप इनेबल करते हैं और कोई भी ब्रांड का नाम लिखते हैं, यूज़र भी हो सकता है, और डायरेक्टली आप भाई उनके साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पता रहना चाहिए आपने पेड पार्टनरशिप किसके साथ किए। और बहुत सारे लोग कोलेबोरेशन के लिए भी कहते हैं, कोलेबोरेशन कर लो, हमारे आईडी और आपकी आईडी दोनों में वो चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके पहले भी बताया कहाँ वो चीज़ें दिखाई देती है, और अगर आपको ब्रांड के बारे में पता भी करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रांडेड कंटेंट, उस पर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट अप्रूवल फॉर द पार्टनर, तो यहाँ पर आप ढूंढ लेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ पर वो इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है, सुजुकी साइकिल रिक्वेस्ट कर दिया आपने, पैसा मिल गया और रिक्वेस्ट आपने पहुँचा दिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो ये तो सबसे पहला हो गया है। दूसरा हमारे इसमें जो चीज़ें आ रही है वो था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। भाई बहुत अच्छी बात है, आपको तो सब चीज़ें पता है, तो मैं यहाँ से फिर से की जाता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। ये सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेंगे हमें, इंस्टाग्राम दिस प्रोड्यूस फीचर्स में नॉट बी अवेलेबल टू यू एक्ट। भाई हमारे लिए अभी तक ये फीचर्स इनेबल नहीं किया गया, जो मैंने अभी आईडी दिखाया, पर मेरे लिए तो इनेबल है, आपको भी मिल चुका होगा। इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन अवेलेबल टू मोनेटाइज योर वीडियोस एंड ऑडियो कंटेंट, यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन टू इनेबल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो बहुत ईजिली आपको मिल जाता है अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये अकाउंट पर चले गए, आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, या बाहर में भी आपको सब्सक्रिप्शन सब चीज़ें मिल जाती है। इससे अर्निंग होती है बहुत कम होती है, जितने लोग आज का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे वही आपको पैसा देगा, और उसके बाद ही भाई उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सब्सक्राइबर है कौन है, 123 पास, तपोष, ओनली अलोन, बाइबल, रघुनाथ, ये चार लोग हैं जिनसे मैंने कुछ अर्निंग लिया हो, कुछ पैसा लिया हो, 100-200 जितने भी रुपए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इनको मैं सर्विस प्रोवाइड दूंगा, तो इनको मैं एक अलग ग्रुप पे रखता हूँ जहाँ पर इनके मैसेज आते हैं सबसे पहले मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन खरीदे, तो वो चीज़ भी रहती है। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर डिटेल आपको पूरी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, मंथली प्राइस मेरा 180 है, पर शुरू के 5 लोगों के लिए बहुत सस्ता रहता है, 90 रुपीज़ ही रहती है, 50% ऑफ हो जाता है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस मेरा एक्टिव है, ठीक है, डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, पर कोई नहीं करता, अक्टूबर में मुझे मिल चुका था। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अर्निंग कर सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एलिजिबल है बिल्कुल, अप्रॉक्सीमेट अर्निंग बहुत कम होती है। देखिए मैंने 8,640 रुपये ही मैंने अभी तक अर्निंग किया हो इसमें से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जितने भी लोग रहेंगे, हाँ यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, न्यू सब्सक्राइबर 1 है, यहाँ पर अभी तक सब्सक्राइबर इस मंथ में कोई भी नहीं आया, पिछले बार में 4 आए थे और उसमें से 3 बढ़े, तो 1 बढ़ के 4 हो गए हैं। तो यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, पर इसके लिए कुछ फॉलोअर्स चाहिए। आप बोलेंगे फॉलोअर्स कितने होना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट अवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, इसमें आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कोई भी वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, रिमेन कम्युनिटी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कंटेंट मोनेटाइजेशन, मतलब तीनों पार्टनर, ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस और आपके इसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन, ये होना चाहिए। पर आपका प्रोफेशनल अकाउंट के साथ साथ 10,000 फॉलोवर्स भी होना चाहिए। आप बोलेंगे 10,000 फॉलोवर्स, भाई कर लेंगे, ठीक है, 10,000 फॉलोवर्स हो गए तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। 18 ईयर्स और ओल्डर, 18 साल या उससे बड़े भी होना चाहिए, और इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन टर्म और इसका यूज़ करना चाहिए, और इंडिया है या नहीं, इंडिया बिल्कुल यहाँ पर नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो भाई इंडिया में हमारा आ चुका है सब्सक्रिप्शन, जो कि आप इजीली कर सकते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाकर सेटअप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उससे अर्निंग कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा भी अर्निंग नहीं होती। अब आप बोलेंगे गिफ्ट्स का क्या रोल कॉल है सर, गिफ्ट्स के बारे में बताइए, हमको तो गिफ्ट कोई देता नहीं है, अगर आपको देता होगा तो आप बहुत लकी है। ठीक है, अगर मैं गिफ्ट्स पर जाता हूँ तो यहाँ पर गिफ्ट्स आपको दिखाई दे रहा, अप्रॉक्सीमेट अर्निंग मेरी कितनी हुई है, 0.21, बहुत ही कम हुई है। ठीक है, इतनी कम अर्निंग से क्या होगा, आजकल लोग गिफ्ट्स नहीं देते। ठीक है, ऐप्स पर तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते थे, लाइव वाले गिफ्ट्स मिल रहे इसमें, हर जगह गिफ्ट्स। पर अगर मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ गिफ्ट्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, इंस्टाग्राम गिफ्ट्स आर अवेलेबल टू एलिजिबल क्रिएटर इन द यूनाइटेड स्टेट में दिया जा रहा है, पर इंडिया में भी दिया जा रहा है। इंस्टाग्राम गिफ्ट्स फीचर डेट अलाउ टू अर्न मनी फ्रॉम योर ऑडियंस, ऑडियंस के तरफ से पैसा कमा सकते हैं, फॉलोअर्स नॉन फॉलोअर्स कैन शो देयर अप्रिशिएशन, भाई आपको सपोर्ट करने के अप्रिशिएशन दिखा सकते हैं, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। विजुअल गिफ्ट मतलब ऐसे गिफ्ट जो हाथ से नहीं दिया जाता, डायरेक्टली हम आपको सेंड कर देंगे, ओनली क्रिएटर कैन सी द स्पेसिफिक गिफ्ट दे रिसीव, हमें मिलेगा तो हम ही देख सकते, कोई और नहीं देख पाएगा। तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, भाई कैसे मिलेगा हमें गिफ्ट्स का ऑप्शन, उसके लिए सबसे पहले तो टू बी एलिजिबल टू अर्न फ्रॉम द गिफ्ट यू मस्ट बी एलिजिबल कंट्री में होना चाहिए, इंडिया में हो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा,
ठीक है, इंडिया का नाम भी है, पोलैंड का नाम भी है इसमें, स्पेन का नाम भी है, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट ये भी है, सब नाम आपको इसमें दिखाई दे रहा है। रोमन है, पोलैंड, पेरू, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ये कंट्रीज में आपको मिल रहा है। यू कैन सी योर टोटल इन अमाउंटली अप्रोक्सीमेट अर्निंग इन योर डैशबोर्ड, यू विल बी पेड व्हेन योर ओवरऑल बैलेंस इज 25 डॉलर। अगर आपके हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये पे आउट कर देगा। हाँ, गिफ्ट्स में थोड़ा सा जल्दी पे आउट कर देता है, बाकी चीज़ों में नहीं। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल विद योर इशू नॉट एड्रेस हियर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली, डायरेक्टली हमसे बात भी कर सकते हैं, मेल कर देना अगर आपको नहीं मिला और आपकी ये सब चीज़ें कंप्लीट है। प्रोफेशनल अकाउंट तो आपका होना चाहिए, 18 साल से बड़े भी होना चाहिए, पेड पार्टनरशिप, कम्युनिटी गाइडेंस, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तीनों में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको मिल चुका है, बाद में हट भी जाता है भाई, ये चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ठीक है, US क्रिएटर है 500 फॉलोअर्स एंड नॉन US क्रिएटर, भाई हम अमेरिका में रहते तो हमें कम से कम 1000 फॉलोअर्स आपके इसमें होना चाहिए अगर आपको गिफ्ट्स इनेबल करना है। और गिफ्ट इनेबल करने के लिए भाई 1000 फॉलोअर्स तो नॉर्मल सी बात है। एग्री टू द इंस्टाग्राम गिफ्ट्स क्रिएटर टर्म्स को एग्री करते हो तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। अब उसके बाद आप क्या कहोगे, क्या चीज़ बची हुई है? आप बोलेंगे सर बोनसेस बचा हुआ है, उसके बारे में बताइए। देखिए बोनसेस अभी तो पॉस है, आगे चल के उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा जब भी हेड ऑफ इंस्टाग्राम की तरफ से कुछ भी नया अपडेट हमारे पास आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको शो भी करता हूँ बोनसेस के बारे में, तो देखिए द क्रिएटर अवेलेबल फॉर द बिजनेस एंड द क्रिएटर अकाउंट, क्रिएटर और बिजनेस के लिए ही ये दिए गए। बोनसेस आर अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टाग्राम, से आप डायरेक्टली पैसा कमा सकते हैं, डायरेक्टली फेस टू फेस, भाई दे दो हमको पैसा। ठीक है, जो कि मैंने फेसबुक में बताया, फेसबुक में मिलना चालू हो गया परफॉर्मेंस बोनसेस। और कितना दे रहे पता है आपको भाई? $30,000, 24 लाख रुपए, 24 लाख। जो मैंने देखा मैंने बोला यार पागल कर दिया, शो कर दे रहा हूँ ना, ये देखो ना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 जनवरी 2024 30,000 बोनस, 24 लाख रुपए यार एक महीने में। करोड़पति बनने में 4 महीने लगेंगे, पर ज़्यादा व्यूज़ तो आना चाहिए तब जाके मैं बन जाऊँगा करोड़पति। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, आप ब्रांडेड कंटेंट इन एलिजिबल रहेगा बोनसेस, अगर आप ब्रांडेड कंटेंट ऑन करते हो तो बोनस ऑफ हो जाएगा। ये रील्स डालने टाइम पूछा जाता है कि भाई आपको ब्रांडेड कंटेंट ऑन करना है क्या, किसी से आपने पैसा लिया है, आप बोनसेस से भी कमाएंगे, किसी और से भी पैसा कमाएंगे, भाई कमाई नहीं इतना ज़्यादा मत कमाइए, आप ब्रांडेड कंटेंट कर रहे हो तो बोनसेस को ऑफ करके रख दो और ऑटोमेटिकली ऑफ हो भी जाता है, जो 21 तारीख को आपका इसका भी पैसा आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मैंने ज़्यादा नहीं कमाया है, अगर मैं आपको पे आउट भी दिखाऊंगा, फैन पेज वाले भी बहुत अर्निंग कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ और ये है, ठीक है यहाँ पर देखिए, जस्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से अर्निंग हो रही है, तो अर्निंग भी आप चेक कर सकते हो बड़े आराम तरीके से। पे आउट ट्रांजेक्शन पर गया हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको देखिए ऑन होल्ड तो भी है, पेड भी हो रहा है $260, 20, 30 जितना भी है। यहाँ पर और भी चेंज करेंगे तो ये और भी चेंज होते जाएंगे और जहाँ से क्या कर सकते हैं आप और भी चीज़ चेक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस दिखाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, रिक्स, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया है, एक गड़बड़ के कारण यहाँ पर आपको दिखाई देंगे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी लग चुकी है जिसके कारण ये एट्रिक्स हो गया है, तो भाई इनका अर्निंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और आगे चल के अगर ये इसी तरीके से एक और गलती करते हो तो ब्रांडेड कंटेंट भी हट जाएगा, तो इसे ठीक करना जरूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देना और कोई ज़्यादा कैटेगरी को भी सिलेक्ट करके नहीं रखना। अब आपको समझ में आ गया, और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो इसे कर दे यहाँ से बंद। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होता है, सब्सक्राइब करना चाहूँगा, ऐसे बनाते थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।